फाइनली हम बस में बैठ गए हैं हल्द्वानी में यहाँ से लुधियाना के लिए। ये देखिए पूरी बस भरी हुई है और अब सीधे चलेंगे। उत्तराखंड परिवहन निगम है ये। हस्बैंड जी अभी बाहर गए हैं मिठाई लेने। ये देखिए ये है हल्द्वानी का रोडवेज स्टेशन। ये देखो बस में बता रहे जाएंगे, कीमत होगी इसके भाई साहब 50-60 रुपए। आइटम होते हैं भैया जी दो आइटम होते हैं भाई साहब ये दो और देखिए साहब ये तीसरा आइटम और होता है भैया। फोन से फोन होता है गैस चलाने के लिए गैस लाइटर होता है सर 300-350 रुपए। लेकिन यहाँ पर होता है प्रचार 300 नहीं 350 नहीं 200 नहीं 250 नहीं। इस साइड की कीमत ले आती है 120 रुपए भाई साहब। जी भाई साहब देता हूँ भाई आपको भी देता हूँ भैया आता हूँ भाई साहब। फाइनली बस चलने लगी है अब हम निकल गए हैं। ये देखो अब सीधे यहाँ से जाएंगे लुधियाना। ये देखो चलो चलते हैं सीधे और थोड़ी देर बाद रास्ते में दिखाएंगे आपको। और यहाँ से तो निकल गए हैं। ये रोडवेज से आगे को जो ठंडी वाली सड़क है वो है। ये देखें यहाँ से अभी घूम के जाएगी बस आगे से थोड़ा सा आगे जाके घूमेगी। बाय 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 हल्द्वानी। ये है हल्द्वानी। हम पहुंच गए हैं रामनगर। अभी रामनगर बस स्टैंड पे हैं और यहाँ पर रुके हुए हैं। हमने ले ली है मूँगफली और अब खा रहे हैं मूँगफली। खाए अभी बज रहे हैं रात के 1 और हम लोग पता नहीं कहाँ पहुँचे हैं। ये देखिए पीछे है हमारी बस खड़ी। सासू माँ की तो हालत ख़राब हो गई और ठंडा भी बहुत हो रहा है यहाँ पे। अभी 1 बज रहा है टाइम। सामने में हमारी बस है वो देखिए जो उधर वाली है उत्तराखंड परिवहन निगम उसमें आए हैं हम लोग। और काफ़ी अंधेरा रात हो गई है 1 बज गया। हालत बहुत ख़राब हो रही है ठंडा काफ़ी हो रहा है। एक जगह चाय पीने के लिए रुके हुए हैं हम लोग। फाइनली गाइस हम हैं अल्लाह रुकाउनो ऑनलाइन बस में हम पहुंच गए हैं लुधियाना बस स्टैंड पे। अब हमें यहाँ से आगे के लिए बस लेनी है। अभी थोड़ी देर बाद लेंगे बस। काफ़ी थकान लगी हुई है। ये देखिए यहाँ का बस स्टैंड ऐसे है। देखो कैसा करता है अंकल अंकल ये घर आने के बाद मैक्स की हुई हालत खराब